जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुनीश कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चे, इस वीडियो में आज हम क्लास फोर की सेकंड यूनिट द लिटिल फर ट्री यानी एक छोटा देवदार का वृक्ष, उसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि आपको एनसीईआरटी की मैरी गोल्ड बुक में दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं पूरी स्टोरी का कि पूरी स्टोरी थी क्या। बच्चे, एक स्टोरी में एक मैजिशियन है जो कि अपने घर वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में रेन होने लगती है, बारिश होने लग जाती है, तो बारिश से बचने के लिए वो एक फर ट्री का सहारा लेता है, शेल्टर लेता है। तो फर ट्री के नीचे खड़े होकर वो बारिश से बच जाता है और जिससे खुश होके मैजिशियन फर ट्री को बोलता है कि तू कोई भी फोर विशेज में से मांग ले, मैं तेरे को पूरी कर दूंगा। तो फर ट्री का करता है, मैं अपने लिए ग्रीन लीव्स मांग लेता है लाइक अदर ट्रीज, दूसरे ट्रीज की तरह कहते मेरे ग्रीन लीव्स आ जाए, ये निडल जैसे मेरे लीव्स ना रहे, ये सुई जैसे लीव्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे ग्रीन लीव्स आ जाए। लेकिन होता क्या है बच्चों कि गोट जो आप देख सकते हो पिक्चर में, वो आती है और सारे लीव्स इसके खा जाती है। फिर सेकंड विश में वो कहता है कि मेरे जो लीव्स हैं वो गोल्ड के हो जाएं, गोल्ड के। लेकिन होता क्या है, एक चोर आता है और वो सारा उसका जो गोल्ड है वो चुरा के ले जाता है। फिर थर्ड टाइम वो मांगता है कि मेरे जो लीव्स है, मेरे पत्ते हैं, ये उसके शीशे के हो जाएं, ग्लास के। लेकिन होता क्या है, शाम को एक आंधी आती है, जोरदार तूफान आता है, जिससे जो सारे जो ग्लास जो शीशे के वो थे वो सारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं नीचे टूट के। तो लास्ट में बच्चों ये जो ट्री होते हैं फर ट्री, वे दोबारा से फोर्थ विश में अपने लिए वही अपने पुराने पत्ते मांगता है कि मुझे वही पुराने लीव्स वापस दे दो, मैं उसे में बहुत खुश था। तो लास्ट में उसके वही पुराने जो है वो लीव्स वापस आ जाते हैं, तब उसको पता लगता है कि जो मेरे लीव्स हैं वही बेस्ट है मेरे लिए। तो ये सारी स्टोरी थी बच्चों जो कि शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। अगर आपने पूरी स्टोरी समझनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देख सकते हो। सो लेट्स मूव अहेड, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको मैरी गोल्ड एनसीईआरटी बुक पे पेज नंबर 27 पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्रीटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट जो प्रीटी जो छोटा सा फर ट्री था, सुंदर सा, वो खुश था अपने गोल्ड लीव्स के साथ। लेकिन होता क्या है, बट ए गोल्ड केम अलोंग एंड एट देम, क्या उसको बकरी खा जाती है? नहीं, गोल्ड लीव्स को तो बकरी खा नहीं सकती। ऑल द लीव्स गोट वेट इन रेन, सारे जो लीव्स थे वो बारिश में भीग गए थे, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। अ मैन स्टोल देम, यस दिस इज राइट, एक आदमी ने उसको चुरा लिया था। सेकंड, द फर ट्री वो सैड, फर ट्री सैड था, क्यों सैड था बच्चों बताओ? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि इसके पीले पत्ते थे। बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, तो ये सही आंसर है, इसके निडल सुई जैसे इसके पत्ते थे। ओके सी, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, फर ट्री गोल्ड लीव के साथ खुश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द गोड्स केम, नहीं, सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाला बच्चों। सेकेंड, अ मैन स्टोल देम, यस दिस इज द राइट, जो एक आदमी था उसने उसको चुरा लिया था, ये सेम क्वेश्चन है लाइक द फर्स्ट वन। ओके लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते बच्चों। तो आगे आपको पेज नंबर 28 पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें एक वर्ड बिल्डिंग गेम है, इसको हमने करना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, इसमें आपको आप देख सकते हो ये जो सर्कल किए हुए हैं ये अपोजिट वर्ड्स हैं, सॉरी ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको सर्कल किया गया है, इनका हमने अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे लाइट का यहाँ पे दिया हुआ हैवी, इन द सेम वे वन का, लव का, फुल का और वाइस का, इसका हमने अपोजिट वर्ड लिखना है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ए से, जो आपको लिख करके दिया हुआ है। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर आपको लाइट का ही हमने अपोजिट लिखना है। तो आई का आई, कैरी का कैरी रहेगा, अ का ए, लाइट का क्या बन गया? हैवी, बाकी सेम। तो बैग टू स्कूल एवरी डे। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड,
रीना वॉन द रेस, इसका आएगा रीना लॉस्ट द रेस। वॉन का क्या आ जाएगा, लॉस्ट, वॉन मीन्स जीतना, लॉस्ट मीन्स हारना। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, इसका आएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। लव मीन्स प्यार करना, हेट मीन्स घृणा करना, नफरत करना। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो इसका आएगा दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, फुल मीन्स भरा हुआ है, एम्प्टी मीन्स खाली। द ओल्ड मैन इज वाइज, तो इसका आएगा द ओल्ड मैन इज फुलिश, वाइज मीन्स समझदार, फुलिश मीन्स मूर्ख। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसके आगे ऐड करना है अन या फिर इम। तो बच्चों आपको बताना चाहता हूं मैं कि कुछ अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिसमें अन या इम को ऐड करके हम उसका ऑपोजिट बनाते हैं उस वर्ड का। जैसे हैप्पी, हैप्पी के साथ आएगा अनहैप्पी, इम हैप्पी कभी नहीं होता, अनहैप्पी होता है। पोलाइट, इम्पोलाइट। सीन, अनसीन, सीन मीन्स देखा हुआ, अनसीन ना देखा हुआ। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इसमें इम आएगा। लकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये बेटे आपको बाय हार्ट ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी फॉर्मूला या इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये वर्ड पावर गेम है, ये वर्ड्स ऐसे ही बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट का आ जाएगा अन इम्पोर्टेंट। परफेक्ट का आएगा इम्परफेक्ट। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। पेशेंट, इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि अपोजिट वर्ड्स जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 29 पर थर्ड टास्क दिया गया है, रिट, जिसमें एक पैराग्राफ है। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम रीटा है और इसके पास एक डॉग है, देखते हैं। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू, रीटा अपने डॉग शेरू को प्यार करती थी। एवरी डे, रोज, शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस, शेरू घर से बाहर जाया करता था। एंड कम अलोंग हिमसेल्फ, और वापस अपने आप आ जाया करता था। बट वन डे, पर एक दिन, ही डिड नॉट कम होम, वो घर वापस नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीटा ने उसके लिए हर तरफ देखा। टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक पहुंच गए। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो गया था। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। रीटा वॉज क्राइंग, रीटा रो रही थी। वेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची। शी गोट इन टू हर बेड, वो अपने बेड पे पहुंची। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक समथिंग जम्प्ड ऑन हर, कोई उसके ऊपर जम्प किया किसी ने। कैन यू गैस हु इट वॉज, क्या आपको पता है ये कौन था? यस, रीटा वॉज वेरी हैप्पी। कौन था ये? ये शेरू था। रीटा वॉज वेरी हैप्पी, रीटा बहुत खुश हो गई। गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन ब्लू, अब हमने ये जो ब्लू कलर के किए हुए हैं, ये लव्ड, गो आउट, कम, एवरीवेयर, इनका अपोजिट लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लव। लव का आएगा बेटा, लव्ड का आएगा हेटेड। तो पास्ट फॉर्म में दिया था, तो इसका आंसर भी पास्ट फॉर्म में ही दे दिया हमने। सेकेंड गो आउट, गो आउट का क्या आएगा? कम इन। थर्ड कम, कम का आएगा गो। फोर्थ इज एवरीवेयर, एवरीवेयर का आएगा नोवेयर। फिफ्थ डाउन, डाउन का आएगा अप। सिक्स्थ लॉस्ट, लॉस्ट का आएगा फाउंड। सेवन्थ नोवेयर, नोवेयर का आएगा एवरीवेयर। एट्थ आ गया आपका क्राइंग, एंड क्राइंग का आएगा लाफिंग। नाइन्थ आ गया हैप्पी, हैप्पी का आएगा सैड। सो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जो कि हमने अभी की। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ यू हैव बीन गिवन अ राइटिंग टास्क, आपको एक राइटिंग टास्क दिया गया है, देखते हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पर है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। बच्चे इसीलिए लिखा होता है कि अगर आपके पास बुक भी है तो उसको आप निकाल लो, साथ साथ लिखते जाओ, तो उसको आप साथ साथ लिखते रहिए। बेटे यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में हमने कैपिटल लेटर्स को लगाना है। ये सारे आपको स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है
वो हमेशा कैपिटल होएगा। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल होएगा, चाहे वो ए है, बी है, सी सी है, डी है, वट एवर ही इट इज, कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमने बड़ा करना है अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग रहा है। और अंदर अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट रूल तो ये था कि फर्स्ट लेटर हमने बड़ा कैपिटल करना है, सेकंड रूल बेटे ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉपर नाउन कहीं भी मिलता है, प्रॉपर नाउन मीन्स पक्का नाम, पक्का नाम मीन्स अब जैसे बॉय है, गर्ल है, ये तो कच्चे नाम है, कच्चे नाम मीन्स कॉमन नाउन है, ये मैं हरेक को बॉय कह सकता हूँ, हरेक को गर्ल जो बॉय है हरेक को बॉय कह सकता हूँ, हरेक को गर्ल जो गर्ल है हरेक को गर्ल कह सकता हूँ, गर्ल 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 गर्ल, बॉय 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 बॉय, लेकिन ये होते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर कौन सा होता है, जैसे मुनीश, साकेत, लक्षित, ये होते हैं प्रॉपर नाउन, ऐसी नैन्सी, दीक्षा, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन में हमने जहां भी हमें मिलता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है हमने, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये सारे भी प्रॉपर नाउन है, जनवरी फरवरी भी प्रॉपर नाउन है, पक्के नाम है, मंथ कॉमन नाउन, एम ओ एन टी एच, मंथ कॉमन नाउन, बट जनवरी फरवरी प्रॉपर नाउन, ऐसे ही वीक कॉमन नाउन, डे कॉमन नाउन, बट मंडे ट्यूसडे प्रॉपर नाउन। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो वन है, वन का ओ बड़ा क्योंकि फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड है ऑफ द सेंटेंस, फिर सैटरडे का एस बड़ा, आफ्टरनून ऐसी तरह रहेगा, साथ में कोमा लगेगा, अमरजीत प्रॉपर नाउन आ गया पक्का नाम तो ए बड़ा, एंड सेम हिज लिटल सिस्टर रानी, रानी का आर बड़ा, देन वेंट का वेंट, फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट प्रॉपर नाउन है, पक्का नाम है ये किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, तो उसका लग दिया हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल। देन फुल स्टॉप है, इसलिए देयर का टी बड़ा, दे सो डक्स कोमा वॉटर, एंड देयर फ्रेंड का फ्रेंड, राज का आर कैपिटल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये था पंक्चुएशन मार्किंग एंड कैपिटल लेटर्स, हमने इसको बनाया है जैसे हमें दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ओ का ओ बड़ा बिकॉज फर्स्ट लेटर सॉरी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑलवेज बी इन कैपिटल फॉर्म इट इफ इट इट इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, डियर पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेड का सेट, द फर ट्री, आई बड़ा कैपिटल, आई लाइक माई निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फोर दोबारा एफ बड़ा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया था, फुल स्टॉप लगा है, गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, फुल स्टॉप और पीछे कोमा इनवर्ट कोमा एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन अ पिक्चर, एक पिक्चर कंपोजिशन है जिसके बारे में हमने बात करनी है, आइए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येलो बॉक्स, देर आर एट थिंग्स, यू कैन सी सिक्स ऑफ देम इन द पिक्चर, यू कैन नॉट सी द अदर टू, राइट डाउन द फोर थिंग्स दैट यू कैन सी, हमने इसमें से ऐसी चार वर्ड्स ऐसे लिखने जो हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, डक्स आपको दिख रही है बेटे यहाँ पे, हाँ ये रही, तो हम लिखेंगे डक्स, आगे डॉग, डॉग कहीं दिख रहा है, नहीं है कहीं नहीं है, बॉय, यस बॉय ये रहा, तो अगला लिखेंगे हम बॉय, फाउंटेन कहीं दिख रहा है, नहीं कहीं नहीं दिख रहा, मैट, यस ये रहा मैट, तो लिखेंगे मैट, लिखा नहीं वैसे इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, मैट के बाद गर्ल लिख दिया हमने, ट्री, ट्री भी है, फ्लावर्स नहीं है, ट्री को हमने ट्री लिख दिया, और इसके साथ आप मैट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है बेटे ये, ओके। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर, पिक्चर को देखो और इसको डिस्क्राइब करो, तो चलिए एक शॉर्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हो या अपनी ओर से भी कोई आप पैराग्राफ बना सकते हो। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की है, दे हैव कम इन पार्क फॉर पिकनिक, वो एक पार्क में पिकनिक के लिए आए हैं, देयर इज अ पॉन्ड नियर बाय, नजदीक ही एक पॉन्ड है, टू डक्स आर स्विमिंग द वॉटर, दो डक्स वॉटर में स्विम कर रहे हैं, अ मैट इज स्प्रेड ओवर देयर ऑन विच लंच बॉक्सेस, बनानास बॉल एटसेट्रा इज कैप, एक मैट जो है बिछाया हुआ है वहां पर, बनानास है, बॉल है और लंच बॉक्स है,
अ बर्ड इज सिटिंग नियर द मैट, बर्ड जो है बैठा है मैट के नजदीक, इट इज अ वेरी ब्राइट सनी डे, ये बहुत अच्छा सनी डे है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो ये था जो पैराग्राफ मैंने बनाया है, आप अपनी ओर से कोई भी पैराग्राफ बना के लिख सकते हो बच्चों। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आपने खुद करके देखनी है घर पर। अजीत लव फ्लावर, अजीत फ्लावर को पसंद करता है, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए हमेशा एक गार्डन बनाना चाहता है। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, उसके फ्रेंड मोहन ने उसको एक आइडिया दिया। ही सेड, उसने कहा, व्हाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, हम डिश में एक गार्डन क्यों नहीं बना लेते। हा हा, अजीत लाफ्ड, अ गार्डन इन अ डिश, एक डिश में एक गार्डन, यस डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन ए शैलो डिश, वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड मैन्योर एंड पेबल्स इन ए डिश। तो डिश भी कहते हैं एक स्मॉल टाइप का एक गार्डन हम बना सकते हैं, हमें उसमें रेत मिट्टी रेत सैंड मैन्योर मीन्स खाद और कुछ कंकर रखने पड़ेंगे डिश में। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स, वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट हम उगाएंगे इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, और इसको विंडो सिल पे रख देंगे। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपके लिए है, आप भी इस तरह एक डिश गार्डन बना के देखिए अपने अपने घर में। आगे देखते हैं सेकंड की तरफ, ग्लास ब्रेक्स इजीली, बच्चों को पता है जो कांच है, ग्लास मीन्स कांच, यहाँ पे वो आसानी से टूट जाता है व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जब इसको गिराया जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स ऑन योर प्लास्टिक वॉट और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजिली, क्या ये भी आसानी से टूट सकते हैं। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा है मड फ्लावर पॉट, तो ये बेटे आसानी से टूट जाएगा मड फ्लावर पॉट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया, देखिए अब यहाँ पे। सेकंड, अ ग्लास स्पून, ग्लास स्पून में शीशे का चम्मच, तो शीशे का चम्मच तो आसानी से टूटेगा ही, अगर स्टील का तो वो ना टूटता। अ वुडन टेबल, नहीं ये आसानी से नहीं टूटेगा। अ प्लास्टिक कप, प्लास्टिक का कप आसानी से नहीं टूटेगा। बुक्स ओ बुक्स, बुक्स भी नहीं आसानी से टूटेंगी अगर नीचे गिरा दो, चाहे आप गिरा के देख लो मैं मजाक कर रहा हूँ, गिराना मत बुक्स को, क्योंकि बुक्स आपको ऊपर उठाती है, तो बुक्स को हमेशा ऊपर उठाओ। और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल, आपकी प्लास्टिक की वाटर बॉटल बेटा ये भी नहीं गिरेगी, इसको चाहे आप गिरा के देख सकते हो नहीं गिरेगी, नहीं टूटेगी। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, तो दो ही चीजें हैं, स्पून और फ्लावर पॉट, जो कि टूट जाएंगे क्योंकि फ्लावर पॉट मड का है और स्पून जो है वो ग्लास का है, जैसे कि इन्होंने बताया। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी अनहैप्पी, बेटे आपको कुछ एक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो बताना है कि किस किस एक्शन से हमारे घर वाले या लोग खुश होते हैं, किससे नाराज हो सकते हैं। सो सबसे पहले है रिस्पेक्टिंग अदर्स, इससे तो हमारे घर वाले खुश होंगे अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। सेकंड, नॉट सेइंग थैंक यू, अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, नो ये इधर आएगा अनहैप्पी वाले में, अगर हम किसी कोई हमें मीन्स टू से कोई हम पे कोई एहसान करता है या हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। थर्ड, बीइंग पोलाइट, यस इससे इट मेक्स पीपल हैप्पी, इससे लोग खुश होते हैं अगर आप पोलाइट मीन्स हम्बल रहते हो, आप नम्र रहते हो। फोर्थ, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, ये भी अच्छी चीज़ है, फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, ये भी अच्छी बात है, अगर आपका कोई दोस्त बीमार पड़ जाए तो उसके पास जरूर उसका पता लेने जाओ बेटे। नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, सारा दिन आपने आप टेलीविजन देख रहे रहते हो, शेयर नहीं करते किसी के साथ, तो ये इस लिस्ट में जाएगा अनहैप्पी वाली लिस्ट में, इससे आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। टेलिंग लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलने से ओके ये इसी का है, नॉट शेयरिंग वॉचिंग टीवी ऑल डे एंड टेलिंग लाइज, टेलिंग लाई में झूठ बोलना। फिर बींग ग्रीडी, ग्रीडी होना भी बहुत गलत है, ग्रीडी मीन्स लालची, लालची होने से भी लोग जो है आपको पसंद नहीं करेंगे अगर सिर्फ आप अपने आप के बारे में सोचोगे। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स के लिए केयर करना मीन्स जो आपके पास पालतू जानवर रखे हो तो उसका ध्यान रखना, दिस इज अ गुड थिंग, इससे लोग खुश होंगे अगर आप उनका ध्यान रखते हो। गेटिंग एंग्री इजिली, आसानी से गुस्से हो जाना, तो ये गलत बात है बेटे, हमने गुस्से नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, बींग ऑनेस्ट, यस बींग ऑनेस्ट, ईमानदार बनने से सभी लोग आपको
पसंद करेंगे। हाँ, जो बेईमान है वो पसंद नहीं करेंगे, उनको पसंद करवा के हमने लेना भी कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा बी ऑनेस्ट एंड बीइंग ऑनेस्ट। लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। अब एक और आपके पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है एट पेज नंबर 33। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, देखते हैं इस पिक्चर में क्या है। एक यहाँ पर बर्ड है जो कि पूछ रहा है व्हाई आर यू क्राइंग। जो यहाँ पे पीकॉक है, जो मोर है बेटे, वो रो रहा है। तो ये बर्ड पूछ रहा है कि आप क्यों रो रहे हो। आई हेट माई सेल्फ, मुझे अपने आप से नफरत है। आई हैव सच अगली फीट, मेरे फीट बहुत ज्यादा अगली है, बहुत ज्यादा बदसूरत है। तो इस तरह से वो थोड़ा दुखी है, जो मोर है। तो इस तरह का आपको थोड़ा लिखने को नीचे लिखा हुआ है कि एक पोइम लिखनी है आपने अबाउट पिक्चर, इस पिक्चर को देख के एक पोइम बनानी है। तो ये काम बच्चे आपने खुद करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक लेट्स मेक अ वर्ड ट्री, एक वर्ड ट्री मीन्स टू से बनाने के लिए आपको दिया गया है। तो ये भी एक्टिविटी आपने खुद बनानी है, बड़ा आसान है, पेपर कटिंग के साथ ये तैयार हो सकता है। और उसके जब वो तैयार हो जाएगा उसके ऊपर आपने वर्ड्स लिखने हैं रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड। फिर उसके बाद उन वर्ड्स को पहले वर्ड्स लिखो, फिर उन वर्ड्स पे सेंटेंसेस। तो देखो बच्चों, पहले आपके पास इस तरह का रोल होएगा, इस तरह कटिंग करनी है, फिर उनको इस तरह मोड़ देना है और लास्ट में इस तरह खोल देना है। आपके पास पूरा एक ट्री टाइप आपके पास शेप आ जाएगी। सो दिस इज द होल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, सब बच्चे पढ़ पाए, सब बच्चे आगे बढ़ पाए और सब बच्चे इंग्लिश सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।